मुंबई में अल्पसंख्या में क्रिश्चियन लोग रहते हैं और मैं भी एक क्रिश्चियन ही हूँ। जब मैं मेरे क्रिश्चियन शमशान भूमि में गया तब वहाँ पे देखा कि नल है पर नल में पानी नहीं है, बिजली है पर लाइट नहीं है, कचरा साफ सफाई करने वाला है लेकिन कचरा लेके जाने वाला कोई नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जब लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको किन किन परिस्थितियों का, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यही आज हम आपको दिखाएंगे। क्या क्या तकलीफें होती है लोगों को यहाँ पे? अभी देखो आपके सामने हम लोग आए हैं तो यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, साफ सफाई नहीं है। वहाँ बैठे तो हवा नहीं आ रही थी, प्यास लगी तो पानी नहीं था और टॉयलेट नहीं चल रही थी। मुंबई के गवंडी इलाके में यह क्रिश्चियन शमशान भूमि है। जब यहाँ पर लोग डेड बॉडी लेकर आते हैं तब उनको पीने को भी पानी नहीं मिलता है, गंदी चेयर पर बैठना पड़ता है। पानी का प्रॉब्लम है, लोग आने आता है बैठने का प्रॉब्लम होता है और ऊपर से नारियल गिरता है, पत्रा देखो टूट गया उधर। नल है तो भी देखो टॉयलेट नहीं है और इतना जन आते हैं तो इनका भी इमरजेंसी के लिए कुछ है ही नहीं इधर, तो ये देखना चाहिए BMC देखना चाहिए कि टॉयलेट का सुविधा, जैसे पानी का सुविधा और साफ सफाई, ये देखो और चपरा वपरा देखो कैसा फटा हुआ है। जब मैंने यहाँ के साफ सफाई कर्मचारी से बात की तो उन्होंने हमें यह बताया कि BMC के कचरे की गाड़ी गेट के सामने से जाती है पर यहाँ का कचरा नहीं उठाती है। जो प्लाट में जो कचरा निकलता है साइड में जमा करता है फिर वो जला जाता है, एक दो बार बाहर डाला तो म्युनिसिपैलिटी को उठाते नहीं है, बोलते इधर जमा मत करना फाइन मारेगा। जो झाड़ू वाला आता है वो भी बोलता है कि इधर जमा मत करना, तो मैं एक कॉर्नर में जमा करके उसको जला देता हूँ। और कौन कौन सी समस्याओं को आपको आपका सामना करना पड़ता है? बारिश में इधर बारिश आता है तो छेद सही नहीं है और सब लोग आके देख के भी गए कि बनाएंगे लेकिन आके देख के जाते हैं और तो कुछ काम तो होता ही नहीं है। और जो लोग आते हैं तो उनको भी बैठने का मुश्किल होता है। और लाइट का? हाँ, लाइट का प्रॉब्लम ये है कि लाइट एक साइड में है तो एक साइड में नहीं है, अभी पीछे साइड में लाइट है ही नहीं है, आगे के साइड में लाइट है। यहाँ की कमेटी ने BMC के ऑफिस में लेटर भी दिया पर BMC इस बात को नज़रअंदाज कर रही है, इसका सीधा असर यहाँ पे आने वाले लोगों के ऊपर पड़ रहा है। मुंबई से अमोल लाल झरे, इंडिया अनहर्ड के लिए।